तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि अगर कोई वायर है तो इसके अराउंड हमारी क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, ऐसे ऐसे होती है, स्क्वायर होती है, सर्किल होती है, कुछ ना कुछ तो होती होगी ना कि ऐसे ऐसे है, ऐसे बनती है मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी डिज़ाइन कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वायर के आसपास, वो गोले गोले बनती है, ऐसे सर्कल सर्कल्स बनते हैं, इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड आ वायर। तो आंसर क्या होगा इसका, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अभी तक हमने क्या सीखा है कि वायर जो होता है उसके अराउंड हमारे पैटर्न बनता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और हमें ये पता है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन प्रेजेंट है, मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब ये डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे ऐसे होगी या इस तरीके से होगी, क्लॉकवाइज होगी और एंटी क्लॉकवाइज होगी। डायरेक्शन हमें ये बताना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। ये भैया ने बताया कि आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं किसी करंट कैरिंग वायर की, डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं किसी करंट कैरिंग वायर की। सपोज इसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इस वायर को आप ऐसे पकड़ लीजिए। क्या बोले उन्होंने, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, उसको ऐसे पकड़ लीजिए और इसको ठेंगा दिखाइए। करंट ऊपर जा रहा है तो करंट को क्या दिखाया, ठेंगा, मतलब थंब ऊपर की तरफ रहेगा। अब इसको ऐसे ऐसे घुमाइए तो उंगली किधर जा रही है, देखो करंट ऊपर जा रहा है, इसको मैंने ऐसे पकड़ा, थंब किधर दिखाया, ऊपर, क्योंकि करंट ऊपर है। थंब किधर दिखाया, ऊपर, क्योंकि करंट ऊपर है। तो उंगली ऐसे करो तो ऊपर से कैसा लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। आप लोग करके देखो तब समझ आएगा, ऐसे वीडियो देखने से समझ नहीं आएगा। आप देखो यहाँ पे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, तो इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो इसमें भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो करंट ऊपर जा रहा है, करंट क्या है, अपसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट फॉर एग्जांपल नीचे जा रहा है, तो ये करंट मान लो नीचे जा रहा है, तो इसको हमने क्या किया, इसको ऐसे पकड़ा। ऐसे कैसे पकड़ा कि जो अंगूठा है आपका, थंब है, वो नीचे की तरफ होना चाहिए, मतलब करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। करंट नीचे जा रहा है तो हमने अंगूठा को नीचे कर दिया। दिख रहा है एरो, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो रही, नीचे जा रही है, तो हमने अंगूठा नीचे कर दिया। अब इसको मैं रोटेट करूं ऐसे करके, तो ऊपर से हमें लगेगा कि क्लॉकवाइज उंगली हमारी घूम रही, जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स कैसे रोटेट हो रही हैं, क्लॉकवाइज। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, क्लॉकवाइज। करंट क्या है, डाउन साइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल से क्या करते हैं, ऐसे करके वो लाइक बटन होता है ना, उसको ऐसे
बना होता है ना। ओके इसको लिखो, इसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। सी सपोज एक इस तरीके से वायर है, करंट इधर जा रहा है राइट डायरेक्शन में, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। तो मैंने तुमसे कहा यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू, दिस इज करंट, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, करंट, ठीक है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नंबर वन इनसाइड होगी, नंबर टू आउटसाइड होगी, ये बताना है इनसाइड होगी या आउटसाइड होगी, ठीक है। तो अब मैक्सवेल का जो रूल था थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, उन भैया ने क्या बताया था, करंट अगर फ्लो कर रहा है वायर, उसको ऐसे पकड़ लो, अरे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे पकड़ लिया, क्यों ऐसे पकड़ा सर, करंट उधर जा रहा है इसलिए अंगूठा भी करंट को दिखाएंगे, ले अंगूठा देखो, दिखा दिया, पकड़ लिया ऐसे, अब उंगली घुमाओ, घुमाओ उंगली, ऐसे ऐसे आ रहा है ना, तो निकल रहा है ना करंट यहाँ से, ये मैग्नेटिक फील्ड निकल रही ऊपर की तरफ, ऐसे घूम के जाएगी ना, ऐसे जाएगी, तो इस पॉइंट से इस जगह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ आ रही है, इट इज कमिंग आउटसाइड, तो आंसर आउटसाइड होगा। चलिए इसी बात पे क्यू पॉइंट पे बताइए इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा, तो आंसर होगा इनसाइड। इस पॉइंट पे आपने ऐसे पकड़ा और यहां से ऐसे निकल रही है तो आउटसाइड हो गया, ऐसे करके घूम के अंदर जा रही है तो इनसाइड हो जाएगा।